अरे तुमका का बताई भैया, हमरा हाल का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम बैक दोस्तों, डेली शायर ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे? तो एक भाई ने रिक्वेस्ट किया है कि डेली शायर ब्लॉग भाई, आप अपनी गाड़ी कैसा वॉश करते हैं पहले अच्छे से बताना, पूरा कंप्लीट बताना, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा, उसके बाद हम गाड़ी धोते धोते जो है चावल बनाएंगे, क्योंकि हर एक दिन आपके लिए एक नया चांस लेके आता है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। आप जो है यानी कि सैड डिप्रेशन ये वाली चीज़ों से दूर रहना, हर दिन खुशी का होता है, खुशी करो। आप जब नींद से सो के उठते हैं ना, वही आपके लिए बहुत प्यारा दिन होता है, क्योंकि आप जिंदा उठे हो। कई लोग तो भाई, ये मेरी गाड़ी है, इसको मैं थोड़ा आड़ी कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं गाड़ी धोना चालू करता हूँ। जी तो भाई, मैंने गाड़ी आड़ा कर दिया है। अभी यहाँ पर देखो, एक बकेट में पानी है, सिर्फ बकेट भर के पानी लिया हूँ, इतना ही, ठीक है। अभी हम इसमें डालेंगे ये वाला साबुन। आप इंडिया में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर साबुन इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं इसमें साबुन डाल दिया, लगता है ये घट हो गया है, जल्दी निकलता नहीं है। निकल जा मेरे भाई, ये निकल गया है। हम इसको थोड़ा सा बना लेंगे बुर्क। ये रेडी हो गया हमारा पानी, पूरा फुल गाड़ी वॉश करना, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा देखना। चलिए भाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी बकेट, हम अभी शुरू करेंगे ऊपर से, ऐसे डाल के लगड़ना, इसको करना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हंसेंगे ना, हंसने वालों को हंसने दो, आज वो लोग हंसते रह जाएंगे और हम काम करते रह जाएंगे, क्या बोलते? गाड़ी जो है ना वो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि धूप बहुत है और धूप में धोने का मज़ा ही अपना होता है, क्योंकि धूप में काम करने से विटामिन डी का ऐसे कुछ सुना था, विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये सुबह सुबह वाली धूप होती है, ये वाली धूप नहीं, ये धूप में आपको पसीना निकालना पड़ेगा, यानी कि समझो आप मेहनत कर रहे हो। दिस इज़ माई मेहनत, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो टायर है, बस टायर को कुछ नहीं करना, इसे स्पंज में पानी लेना है और इसको लगड़ना है, इसकी गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी। वैसे ये एक बार फिर रोड पे जाएगी, पानी रहेगा, फिर से ख़राब हो जाएगी, लेकिन अपना काम धोना होता है, बस धो लिया करो। फिर इसको पानी मारना होता है, इसे देख रहे हो कितनी अच्छे से सफाई कर रहा हूँ मैं गाड़ी की। माशाल्लाह, सेम उस तरह भी ऐसे ही करना होता है। तो दिस इज़ माई फुल गाड़ी वॉशिंग भाई,
अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मेरे बड़े भाई, इसको बोलते हैं लाल वाला कपड़ा, ठीक है। ये कपड़े से आपको पोंछना होता है, इसी कपड़े से, आपको दूसरा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर बहुत सारी दुकानों में आपको ये कपड़ा मिलेगा, यहाँ पर गाड़ी के रिलेटेड जो सामान मिलता है। तो इसको पहले ऐसे पोंछ देना है एक दफ़ा। आपको रोड पर पानी भी बताऊँगा मैं कि कितना पानी मैंने वेस्ट किया, क्योंकि और कितना पानी बच गया। आपको जितना पानी रोड पर दिखेगा वो सिर्फ टायरों की वजह से दिखा, क्योंकि मैंने टायर धोने के लिए पानी दिया। जो लोग हंसता है ना, अरे ये बंदा क्या यार गाड़ी धोता है, गाड़ी धोते भी है और चलाते भी है, अरे ये क्या, ये तो ड्राइवर का काम करता है। आओ, अगर आपको लगता है कि मैं ड्राइवर का काम करता हूँ और आपको हंसी आ रही है, आओ सऊदी अरब आके ड्राइवर का काम करो, तो पता चले कि असली ज़िंदगी क्या होती है। आपको गार्डन के पास एक बार नज़र मारना पड़ेगा, वहाँ पर खड़ा हुआ है मुतवा। मुतवा मीन्स जो लोग नमाज को नहीं जाएंगे वो लोग को पनिशमेंट देंगे वो लोग। तो अभी थोड़ी देर में नमाज का टाइम होने वाला है, इसीलिए वो लोग आके वहाँ पर खड़े हो गए। तो मैंने पहली कपड़ा मार दिया है, अभी अंदर थोड़ा साफ़ करेंगे, उसके बाद सेकंड टाइम कपड़ा मारेंगे फिनिश। अभी आप पानी पे ध्यान दो, कितना पानी मैंने वेस्ट किया आपको पता चलेगा। मैंने बकेट भर पानी लिया था, देखो इतना सा रोड पर आया है पानी। इसकी वजह है टायर धोना, देख रहे हो यहाँ पर है पानी, देखो आधा बकेट पानी है। आप सिर्फ प्रेशर मार मार के जो है पानी वेस्ट करते हो तो गलत बात है, इतने से पानी में आप गाड़ी पूरी वॉश कर सकते हो माशाल्लाह। चलो अभी अंदर मारते हैं कपड़ा इसको। मेरी गाड़ी के चार पर खोल दिए तो कैसी लग रही है, चार के चार इसके पर खोल दिए हैं। अभी पीछे से देखते हैं इसका लुक, ये तो देखो और कमाल की लग रही है ना, पीछे से डबल और ये साइड से और ये साइड से। इस गाड़ी का नाम है फोर्ड एक्सपीडिशन, माशाल्लाह। सेकंड टाइम कपड़ा मारने के लिए मैंने कपड़े को यहाँ पे सुखाया है। अभी जो मेरे गाड़ी का जो वाइपर का पानी है तो पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं इसमें पानी डालूंगा। अभी ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पानी भरते हैं इसमें। और ये इंजन, कभी भी आप गाड़ी वॉश करते टाइम पे प्रेशर से इंजन पे पानी नहीं मारना चाहिए। और जब भी आप कहीं लॉन्ग से यानी दूर से आते हैं ना, तो गाड़ी का इंजन और हब जो होते हैं वो गर्म होते हैं, तो भूल के भी पानी नहीं डालना उस पर, क्योंकि वो क्रैक होने के चांसेस होते हैं। गर्म पे पानी डालेंगे तो क्रैक हो जाएगा, समझे। तो यही है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मैंने धो दिया है। अभी जो है मैं चावल नहीं चढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं सोचा धूप ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी इसको धो लेता हूँ, उसके बाद जो है चावल बना लेते हैं, क्या बोलते हैं। ओ फुल हो गया ये, अरे तुम का बताई भैया हमारा हाल का है, निकले थे हम गाड़ी धोने पसीना ही आ गया है। खाना चावल पे रख दिया चावल चूल्हे पे रख दिया हूँ धो के, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सेकंड टाइम कपड़ा मार रहा हूँ, देखो खाली कैसी चमक रही है धूप में, है ना कमाल की चीज़। थोड़ा दूर से भी देख लो ऐसे, अभी देख सकते हो। मैंगो अचार जिंदाबाद, इमरजेंसी में बोला ना, अगर आप सालन नहीं बनाना चाहते, आप उतने बड़े लेजी बन गए हैं, तो आपके साथ ये मैंगो वाला अचार या तरकारी का मिक्सड अचार होना चाहिए, ताकि आप इमरजेंसी में खा सकते हैं। अभी मैं थोड़ा बकाला जाके आता हूँ, उसके बाद जो है शावर लेता हूँ, उसके बाद जो है अचार के साथ खाना खाता हूँ। आप लोग भी खा लो ये हसरेसो वालों के लिए है, देख के हंसो और हंसो हंसो, आएगा अपना भी टाइम इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई लोग सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इतना सपोर्ट, आप इतनी मोहब्बत बता रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, वल्लाह दिल को लग रहे हैं आपके कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अभी। तो भाई देखो अचार और सफेद चावल, तो 5-6 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी ये गरम गरम खाना खाना है, उसके बाद हमको निकलना है ड्यूटी पे, वरना एक को लेट हो जाऊंगा तो दूसरे को भी लेट हो जाऊंगा, लेट नहीं होना है। अभी अब्दुल्ला के पास जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी खा के। तो गाड़ी धोना कैसा लगा आपको बोलो, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करने का और गाड़ी को धोने का, सिर्फ आधा बकेट पानी में। बांग्लादेश वाले लोग एक बकेट पानी में चार गाड़ी धोते, चार गाड़ी यानी कि 80 रियाल।
अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अभी निकलते हैं भाई, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। अब्दुल्ला भाई को लेते हैं सीधा, आपको डायरेक्ट मिलेंगे अब्दुल्ला भाई के पास में। चलो अल्हम्दुलिल्लाह भाई आ गया हूँ अब्दुल्ला के ऑफिस के करीब में, किंग खालिद रोड पे, जो आप सामने देख रहे हैं ना मर्सिडीज ही है ना ये। तो ऐसे गाड़ियाँ आजकल जो है सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, मर्सिडीज और ख़ास करके जीप, और सुजू में भी जीप टाइप की गाड़ी आई है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अभी जो यहाँ पे वुमेंस ड्राइविंग कर रहे हैं ना, ख़ास करके उनके पास जीप देखने को मिल रही है माशाल्लाह। ये सामने मस्जिद है, इसके आगे जाएंगे तो अब्दुल्ला का ऑफिस आ जाएगा। अभी मैं गाड़ी घुमा के एंटर कर लेता हूँ ऑफिस में। मैं यहाँ से ऐसे राइट ले लिया, ये जो है ना शॉर्टकट रास्ता वो भी, इसको मेरा गाड़ी चलाने का तरीका थोड़ा अजीब है। देखो मैं ऐसे घुमा लिया गाड़ी, वल्ला हबीबी केवल हाल हबीबी, तुम नहीं सुधरते कभी भी। चलो यार कबर कब, यार कबर कब, كيف دوام؟ دوام دي عسل عسل ما شاء الله تو اگیا ہے ہمارا عبداللہ بھائی جس کو لے کر کے جانا ہے اخر شيء ترى اخر شيء بكره ما في دوام اربع شيء ان شاء الله اداوم بكره ما في انا حد اثنين اداوم ثلاثه ما اداوم اربعاء خميس اداوم يعني کہ کل ڈیوٹی نہیں ہے नहीं है कल ड्यूटी नहीं है नहीं है यल्ला बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। बाबा जी सब जगह तो बराबर टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर आके फंसना पड़ा हमको। देख सकते हैं ये ट्रैफिक जाम हो गई, क्योंकि यहाँ पे पहले बताया था मैं, सामने इंटर होने वाली जो रोड है वो बहुत छोटी है, और मेरे को यू टर्न करके जो है इस गली में जाना है, इस बिल्डिंग साइड में, क्योंकि उधर से कुछ सामान लेना है, लेकिन यहाँ पर मैं फंस गया हूँ। अब तो लेट होना ही है भाई घर को जाने में, मैडम का फ़ोन आना ही है और बोलना है कि क्यों लेट हुआ। अब उनको बताना पड़ेगा कि लेट होने की वजह यह ट्रैफिक है। अब यहाँ पर होने वाली सबसे गंदी वाली हरकत आपको देखने को मिलेगी, यहाँ देख सकते हैं आप सामने। ये सिंगल रोड है, सिंगल सिर्फ एक गाड़ी की लाइन, यानी कि एक गाड़ी इंटर, समझो एक के पीछे एक सिंगल लाइन में गाड़ी इंटर कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कैसे घुस रही हैं लेफ्ट साइड से जो को राइट साइड में जो आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा घटिया काम लगता है मेरे को, क्योंकि जो उनकी वजह से यह ट्रैफिक जाम हो रहा है। ख़ास करके बने रहो थोड़ी देर, देखो आपको पता चलेगा। थोड़ा सामने चलो मैं आपको बताता हूँ, सबसे गंदी हरकत मेरे को लगती है ये देख रहे हो। यहाँ पर या तो रोड बड़ी करना चाहिए, या फिर यहाँ मुरूर को पुलिस वाले को खड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के सबसे ले रहे हो। ये किधर से किधर इंटर हो रहे हैं देख रहे हो, ये सबसे बड़ी घटिया और गलती वाली काम है ये, इनकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखो गाड़ियाँ चलाने का तरीका इनका, अस्तग़फिरुल्लाह हस्बी अल्लाह निअमल वकील, हस्बी अल्लाह निअमल वकील। तो कैसा लगा भाई वीडियो, गाड़ी फुल वॉशिंग? हाँ अब्दुल भाई देखो ये जिम है, इंशाल्लाह ये जिम का वीडियो बनाना है। अभी मैं मुदीर को बोला तो वो बोलते हैं मुश्किल नहीं है बनाओ, टाइम निकाल के आऊँगा इंशाल्लाह, वीडियो बनाएंगे क्या बनाएंगे क्या। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ सलाम।